पूर्व की सरकार में रेट तय था, टीचर बनना है तो क्या रेट, सिपाही बनना है तो क्या रेट, डिग्री कॉलेज का अध्यापक बनना है तो क्या रेट, इंटर कॉलेज का क्या रेट। आज हमारी हमारे गोंडा की जनता विकास की चर्चा कर रही थी, नहीं तो यहाँ ये होता था ना खाता ना बही, जो वो कहे सही। और समाजवादी पार्टी आज डीएम के सब ऊपर सवाल उठाएगी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ चुनाव के बाद ईवीएम के ऊपर सवाल उठाएगी। और इसमें मैं श्रेय योगी जी को भी देना चाहता हूँ, यहाँ के विधायक को देना चाहता हूँ, और माननीय मोदी जी को भी देना चाहता हूँ। ये नेशनल हाईवे जिसकी बात आज हो रही है, ये मैंने करवाया था, नितिन गडकरी जी आए थे बाराबंकी में, मैंने किया था, जो आज बलरामपुर तक अटल जी के नाम पर बन करके खड़ी है। अखिलेश यादव जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार का जो पुल था, जो बिजली देती है हमारी केंद्र सरकार देती है, उस समय 3 रुपया, 2.5 रुपया या 3 रुपया प्रति यूनिट रेट था, तो आप 7 रुपया प्रति यूनिट क्यों खरीदते थे? भारत सरकार की से बिजली ना ले करके आप बजाज से बिजली क्यों लेते थे? तो एक पार्टी के आप हैं, चाहे जो करें, शहर में आग लगा दें मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। अब आग लगाई गई है इसी शहर में, अब मुकदमा नहीं लिखा गया। और ये हमारी कर्म भूमि, आदित्यनाथ जी की कर्म भूमि, अटल जी की कर्म भूमि धोखा देने वाली नहीं है, बहुत पूर्ण बहुमत के साथ हम सत्ता में आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और इसी के बीच गोंडा पोस्ट पहुंचा है गोंडा क्षेत्र यानी कि देवीपाटन मंडल के वरिष्ठ सांसद और बड़े नेता विभूषण शरद सिंह जी के पास। तो आइए मिलते हैं विभूषण जी से और जानते हैं कि किस तरह का मिजाज जनता का देखा जा रहा है इस चुनाव के दौरान। सबसे पहले तो मैं गोंडा पोस्ट जो आपका चैनल है इसको मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार जो हमारे मंडल के इशू हैं और जो जनता से जुड़े रहते हैं वो हमेशा ये आपका चैनल उठाता है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरा प्रश्न आपका है कि यहाँ जनता का मिजाज क्या है। देवीपाटन मंडल की 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 20 सीटें यहां पर हैं, और देवीपाटन मंडल या गोंडा अपना वही इतिहास दोहराएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आपके मैं कुछ रीसेंट कमेंट्स आपने विभिन्न मंचों पर अपने भाषणों के जरिए भिन्न भिन्न मुद्दों को उठाया, उनमें से आपने कुछ वक्तव्य कहे जो कि बड़ी लाइमलाइट में आए और लोगों ने उसके साथ रिलेट किया। कुछ 2-3 बातें मैं उठाऊंगा जिसपे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। एक, आपने कहा कि 2022 का चुनाव ये चुनाव नहीं पानीपत का चुनाव है, ऐसा आप क्यों कहते हैं? देखिए, सब लोग जानते हैं कि पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, और वहीं से इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और मुगल शासन की शुरुआत हुई थी, और फिर मुगल शासन के दरमियान या उसके बाद बहुत कुछ देखने को इस देश को मिला। थोड़ा सा इतिहास में मेरी रुचि है और इसलिए मैं इतिहास से जोड़ करके देखता हूं कि कब कब कहां गलती हुई, और यह मेरा अधिकार है कि मैं देखूं कब कहां गलती हुई। यह मेरा अधिकार है, इस देश का नागरिक होने के नाते ये मेरा राइट है कि देखें कहां कहां गलती हुई। और जब देश की कुछ गलतियों को देखता हूं तो उसमें मुझे पानीपत का युद्ध भी याद आता है कि उसके बाद जो है सैकड़ों वर्षों के लिए मुगल, क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि केवल मुगल आए, मंगोल की बात कोई नहीं करता है, मंगोल भी आए, खिलजी भी आए, लेकिन केवल मुगल की बात होती है। लेकिन मुगल शासन की स्थापना 1526 में इब्राहिम लोदी के हार के बाद हुई थी, इसलिए मैं कहता हूं कि यह निर्णायक दौर है। दूसरा, आपका एक स्टेटमेंट था, आपने कहा कि गोंडा के मुसलमान मुसलमान नहीं, ये कलहंस ठाकुर है। इसमें क्या हिस्टोरिकल एविडेंस या ऐसा क्या बेसिस है जो आपने बात कही? देखिए, कलहंस तो मेरे मुंह से एक शब्द है जो निकल गया। गोंडा के
जैसे मैं बैस ठाकुर हूं, अब चिर्रे जगनपुर फैजाबाद के एक अंदर गांव है, चिर्रे जगनपुर मुसलमानों का बहुत बड़ा गांव है जो पहले बैस ठाकुर थे, और दसवीं शताब्दी से लेकर के पंद्रहवीं शताब्दी तक 8 करोड़ हिंदुओं की संख्या कम हुई थी, या तो मारे गए थे और या तो धर्म परिवर्तन किया गया था। और कलहंस ठाकुर का मेरा आशय यह था कि जिस जगह की यह घटना है उस जगह के जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को खान कहते हैं, उस समय के कलहंस ठाकुर हैं। और ये इस बात का मेरे पास प्रमाण है। मैंने एक मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई इस इतिहासों को सुन इतिहास को सुनते सुनते मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई, और मैंने लगभग 50 आदमी का स्टाफ लगा करके मैंने मुसलमानों के वक्तव्य लिए कि भाई बताओ आपकी 4 पुस्त पहले आप क्या थे, 5 पुस्त आप पहले क्या थे, 6 पुस्त पहले क्या थे। तब निकल करके आया, जैसे कटैला एक गांव है, कटैला से 3 गांव बसा है, वो कलहंस ठाकुर थे। ये जो महफूज भाई हैं जिनको कहते हैं महफूज भाई हैं, और ये जो ये 8-10 गांव है यहां पर, जो 8-10 गांव है, ये सब कलहंस ठाकुर थे। और क्यों हुए हैं ये भी मेरे पास है, और मैं किसी हवा में तीर नहीं चला रहा हूं। और मेरा कहने का आशय यह है कि मैं इनको मुसलमान नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि 5 पुस्त पहले, 6 पुस्त पहले, 7 पुस्त पहले मेरे बाबा और इनके बाबा एक थे। ये मेरा ही रक्त है, चाहे मेरे कारण या किसी का कारण या समय के घटना चक्र के कारण ये मुसलमान हुए हैं, लेकिन इनके पूर्वज हिंदू थे। मेरे पास प्रमाण है, कोई भी डिस्कस कर सकता है, और जो जो मैंने प्रमाण निकाले हैं वो इन्हीं के बयान से निकाले हैं, मैंने अपना कोई रिसर्च नहीं कराया है, इन्हीं का बयान है, इन्हीं के लोगों का बयान है। किसने क्या बताया है वो भी मेरे पास है, कौन कब क्यों हुआ है ये भी मेरे पास है। और इसलिए मैं कहता हूं कि विशेष करके गोंडा जनपद या देवीपाटन मंडल के जैसे जो धर्म परिवर्तन हुआ, अब जैसे मीर बांकी जब अयोध्या पर हमला किया तो खुरासा नाम था, वहां उसकी सैनिक छावनी थी, और वहां भी पठान हैं, वो पठान उसी समय जो है उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा था। वो भी अपने आप को, उनसे पूछिए, वो कहते हैं कि मैं कलहंस हूं, मैं क्षत्रिय हूं। और जब हम कहते हैं, हमने ये दूरी पैदा करने के लिए नहीं कही है कि दूरी में नहीं पैदा करना चाहता हूं, या मैं उनको नीचा नहीं दिखाने के लिए कह रहा हूं, मेरा कहना है कि हमें और हमारे सामने वाले को, इनको ये पता हो कि हम 5 पुस्त पहले, हमारा और इनका खून एक था, तो कहीं ना कहीं जो दूरी है वो दूरी कम होगी, हमारा आशय ये है। और ये काम देश को करना पड़ेगा, ये काम लोगों को चल करके करना पड़ेगा, आज करें या कल करें, करना पड़ेगा। हम कहते हैं आप अपने मजहब में रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मजहब को, अपने धर्म का प्रचार करिए, पालन करिए, अपने खुदा को मानिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस केवल इतना मालूम हो कि 5 पुस्त पहले हम और आप एक थे, मेरा आशय यह था। आवाज भी गारंटी के साथ कलहंस, तो मैंने वहां के जो लोग, जिनको भी लगता हो उनको तकलीफ ना पहुंचे, मैं किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं कहा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ, और मजबूत आदमियों का धर्म परिवर्तन हुआ, जो उस समय मजबूत थे, कलहंस उस समय मजबूत थे, सबसे पावरफुल थे, उन्हीं को दबाया गया, और उन्हीं में से कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। तो ये गोंडा के एक इतिहास की जैसे आपने चर्चा करी, जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसा आपने कहा है, कुछ बहुत ही रीसेंट पास्ट की बात करते हैं। पिछले 22 सालों तक गोंडा सदर की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जिसे 2017 में गोंडा सदर के नए विधायक हुए प्रतीक भूषण सिंह जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, उस सीरीज को तोड़ा। उसके बाद क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में क्या गोंडा सदर और गोंडा की विभिन्न सीटों पर क्या वही प्रदर्शन दोहराया जाएगा? मैंने पहले बताया कि देवीपाटन मंडल का जो इतिहास है ये भगवान राम से जुड़ा है, गौतम बुद्ध से जुड़ा है, तुलसीदास से जुड़ा है, पांतांजलि से जुड़ा है, और अयोध्या आंदोलन में
सबसे देश में सबसे अग्रणीय भूमिका अगर किसी की रही है तो देवी पाटन मंडल की रही है। अयोध्या से लगाव सबसे ज्यादा अगर किसी को रहा है तो देवी पाटन मंडल को रहा है। और यह देवी पाटन मंडल हमेशा चमत्कार करता है और मुझे पूरा विश्वास है, मैं एक विधानसभा तक आप मुझको सीमित मत करिए, मैं देवी पाटन मंडल के गांव गांव को जानता हूं, घर घर को जानता हूं, और जो जनता का मिजाज देख रहा हूं, देवी पाटन मंडल अपना इतिहास दोहराएगा। हो सकता है 18, हो सकता है 20 की 200 देवी पाटन मंडल भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ जाए, क्योंकि एक तरफ अयोध्या से जुड़ा है और दूसरा देवी पाटन जो है जिसके नाम पर यह मंडल बना हुआ है, वहां से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिष्ठा जुड़ी जाती है। ये कभी अटल जी की कर्म भूमि कही जाती थी, आज हम कह सकते हैं कि ये आदित्यनाथ जी की भी कर्म भूमि है, बृजभूषण सिंह की भी कर्म भूमि है, और ये हमारी कर्म भूमि, आदित्यनाथ जी की कर्म भूमि, अटल जी की कर्म भूमि धोखा देने वाली नहीं है। बहुत पूर्ण बहुमत के साथ हम सत्ता में आने वाले हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है और विभिन्न विधानसभा सीटों पर भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है, मेरा एक बहुत ही मतलब बहुत बेसिक सी जिज्ञासा होती है कि तो फिर ऐसा क्यों है कि जो वर्तमान में कई विधायक हैं, वर्तमान में कई मंत्री हैं, वो भाजपा को छोड़ के अन्य पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, एक तो जिनके टिकट कटने वाले थे, जो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव हार रहे थे, कुछ ऐसे हैं जो 19 से ज्यादा चाह रहे हैं, वो लोग छोड़ करके गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, समय तो नहीं है कि मेरा कोई संदेश सुने, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं को, सुनाना चाहता हूं कि आप सर्वे के आधार पर टिकट दी दिए, जो आपकी रिपोर्ट कह रही है आप टिकट दीजिए, कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इस आधार पर टिकट आप मत दीजिए। जो काम किया है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जो कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट है, जो संगठन की रिपोर्ट है, आप उस हिसाब से टिकट दीजिए, आप देखिए कि जनता जो है आपको कितना बड़ा रिजल्ट देने वाली है। और वो जो लोग गए हैं वो सब किसी का टिकट कट रहा था, कोई चुनाव हार रहा था। अब बात करते हैं लोकल मुद्दों की। जैसे गोंडा शहर में हम लोग कुछ गए तो कुछ लोगों को ड्रेनेज सिस्टम की, नाली की, सीवरेज सिस्टम की और पाइप्ड वाटर सप्लाई की, जो कि आप जानते हैं कि गोंडा शहर में ऑथराइज्ड कॉलोनी की संख्या मेरे ख्याल से सिविल लाइंस आवास विकास कॉलोनी के अलावा और ज्यादा ऑथराइज कॉलोनी, ज्यादातर अनऑथराइज कॉलोनीज है, तो उनमें लोगों को बेसिक अम्यूनिटीज का आज भी अभाव है। ऐसे में क्या गोंडा में भविष्य में ऐसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा? देखिए, आपने जरूर सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से जब प्रतीक भूषण सिंह विधायक चुने गए, उसी समय एक रिपोर्ट जारी हुई और गोंडा जनपद देश के सबसे गंदे शहर में शुमार किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो रेटिंग की गई उसमें गोंडा जनपद देश के सबसे गंदा शहर, और उसी समय से प्रतीक ने प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया, और आप देख रहे होंगे कि वो रेटिंग जो सबसे नीचे थी आज कहां है। और कोई ईमानदारी से समीक्षा करेगा तब उसको पता लगेगा कि गोंडा की सड़क क्या थी, सड़क क्या है, पानी की निकासी की व्यवस्था क्या थी, क्या है, और पानी निकासी के लिए भी, नाले के लिए भी, सीवर के लिए भी प्रतीक ने बहुत कोशिश की और हो भी गया था या हो भी जाता, लेकिन किसी एक अधिकारी के जिद के कारण वो प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हो पाया। एक अधिकारी ने जिद कर लिया, क्यों जिद किया मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक अधिकारी ने जिद कर लिया, नहीं वो भी काम पूरा हो जाता। अब जैसे ओवर ब्रिज रेलवे लाइन का बहराइच वाला बन रहा है, ये बड़गांव वाला सैंक्शन है,
ये उतरौला वाला सैंक्शन है, ये हमारा प्रयास है और प्रतीक भूषण का प्रयास है, प्रतीक का प्रयास है, हमारा प्रयास है, बाईपास प्रतीक का प्रयास है, और गोंडा की जनता गवाह है इस बात की कि प्रतीक ने स्नेह नहीं कि मेरे पुत्र हैं। वो आज भी फोटोग्राफ मौजूद है कि स्वयं विधायक बनने के बाद स्वयं जेसीबी लेकर के और 48 डिग्री और 50 डिग्री जब टेम्परेचर होता था तो सारे दिन खड़े होकर के वो नाला खुदवाते थे, पानी निकासी की व्यवस्था किए हैं। सरकार का बजट नहीं था, अपने संसाधन से कि नहीं मुझे इसकी व्यवस्था करना है, और दिन दिन भर लोग ताजुब करते थे कि एक विधायक को क्या हो गया है। और आज उसी का परिणाम है कि गोंडा जहां एकदम निचले पायदान पर था आज उठ करके बीच में आ गया है, और कोई भी गोंडा में किसी भी तरफ से अगर घुसेगा, कोई भी घुसेगा, आज देवीपाटन मंडल में मुख्यालय पर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोग्राम है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अस्पताल बन गया, शहर की लगभग सारी सड़कें बन गई, ग्रामीण क्षेत्र की सारी सड़कें लगभग बन गई, लेकिन जो ये डिमांड आ रही है, डिमांड इसलिए आ रही कि काम हो रहा है, और काम न होता होता शायद डिमांड ना आती। और ये मैं गोंडा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम चाहता हूं कि उनकी डिमांड बनी रहे, क्योंकि जब एक काम होता है तो दूसरे की ये भी हो जाना चाहिए, तीसरा ये भी हो जाना चाहिए। आज हमारी हमारे गोंडा की जनता विकास की चर्चा कर रही थी, नहीं तो यहां ये होता था ना खाता ना बही, जो वो कहें सही। अगर आप प्रधान हैं उनके पार्टी के हैं तो आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोटेदार हैं उनके पार्टी के हैं तो कोटा बांटने की कोई जरूरत नहीं, गल्ला बांटने की कोई जरूरत नहीं है। आज वो सारी परंपराएं समाप्त हो गई, और अब अपने मुंह से हम क्या कहें, आप गोंडा की जनता, और मैं कहना चाहता हूं कि जो विरोध में हो, जो विरोधी पार्टी विचारधारा से तालमेल रखते हैं, उनके पास जाकर के पूछिए कि इस सड़क की हालत क्या थी, आज क्या है। और इसमें मैं श्रेय योगी जी को भी देना चाहता हूं, यहां के विधायक को देना चाहता हूं, और माननीय मोदी जी को भी देना चाहता हूं। ये नेशनल हाईवे जिसकी बात आज हो रही है, ये मैंने करवाया था, नितिन गडकरी जी आए थे बाराबंकी में, मैंने किया था, जो आज बलरामपुर तक अटल जी के नाम पर बन करके खड़ी है। पावर, हमने जैसे पब्लिक रिएक्शंस ये लोगों के बीच में गए तो लोग, जैसा कि आपने कहा कि सड़क के बारे में बात करते हैं और बिजली के बारे में बात करते हैं, लोग कहते हैं कि पहले से ज्यादा बिजली मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान चुनाव में बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का ही कहना है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो लोगों को फ्री बिजली मुहैया कराएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है कि अखिलेश यादव जी के जमाने में 4 घंटा 6 घंटे बिजली आती थी। उत्तर प्रदेश में केवल 4 जिले थे जिसमें अधिकतम ज्यादा बिजली आती थी, वो थे मैनपुरी, इटावा और कन्नौज और रामपुर, आजम खान का रामपुर। 4 जिले ऐसे थे जो बीआईपी जिले थे, और राजधानी को आप कह लीजिए। लेकिन इस सरकार में एक भी बीआईपी जिला नहीं है, सारे के सारे जिले बीआईपी हैं, और 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा बिजली आती है। और कहीं खराब हो जाए कि मेरे कहने से ये नहीं होगा कि मैं कहूं कि 18 घंटा आती है, ये पब्लिक से पूछना पड़ेगा कि आती है कि नहीं आती है, और पब्लिक कह रही कि 18 घंटा आती है। मैं एक सवाल यहां पर दूसरा उठा रहा हूं कि अखिलेश के राज्य में 4 घंटा बिजली आती थी और बाबा के राज्य में 18 घंटे क्यों आती है? आज मैं एक जगह जनता से सवाल उठाया, जहां तक मेरी कम बुद्धि से जो उपज जो मैं देख रहा हूं, अखिलेश यादव जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार का जो पुल था, जो बिजली देती है हमारी केंद्र सरकार देती है, उस समय 3 रुपया 2.5 रुपया या 3 रुपया प्रति यूनिट रेट था, तो आप 7 रुपया प्रति यूनिट क्यों खरीदते थे? भारत सरकार की से बिजली ना लेकर के आप बजाज से बिजली क्यों लेते थे? 2.5 रुपये या 3 रुपये में जब बिजली उपलब्ध थी तो आप 7 रुपये में 6 रुपये में क्यों लेते थे? आज बाबा जी ने आने के बाद, मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद यही काम बंद कर दिया। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के जितने लोग थे सबसे कहा कि जब 2.5 रुपये में हमें बिजली सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही तो मैं आपकी साथ में क्यों लूं? आज उसी पैसे में उतने में 2.5 गुना बिजली हो गई।
मैं पूछना चाहता हूं, आप 7 रुपया यूनिट क्यों खरीदते थे? जब 2.5 रुपया यूनिट मौजूद था, 7 रुपया यूनिट क्यों खरीदते थे? अब आज वो लोग जो प्रदेश को एकदम लूट करके चले गए, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। आबकारी विभाग से आपकी क्या आमदनी थी? पोंटी चड्ढा की नीति आपने लागू कर रखा था, 12,000 करोड़ रुपए की जो है सालाना आपकी आमदनी थी, और चाहते थे कि वही नीति लागू कर रखा जाए। आवाज मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उसी 12,000 का 36,000 क्यों करोड़ क्यों हो गया? 12,000 करोड़ रुपए सालाना आमदनी थी, 36,000 करोड़ रुपए क्यों हो गया? मैं झूठ बोल रहा हूं? वो डाटा बोले, जाकर के देखें क्या था और क्या आज है। उसी पैसे में आज 2.5 गुना बिजली है। 2.5 रुपए में एक बोतल पानी उपलब्ध है, आप 7 रुपए में लेंगे, आप 6 रुपए में लेंगे, वो बात करने लायक नहीं है। अब बात करते हैं किसानों की। गोंडा के किसान, मैं खासकर सिर्फ गोंडा की बात करूंगा, गोंडा के किसान कुछ दिनों से, गन्ना किसान स्पेसिफिकली, आंदोलनरत हैं और उनकी डिमांड है कि जो उनका बकाया पैसा है वो उनको मिल जाए। ऐसी समस्या, कुछ पैसों की पेमेंट शायद उनको हुई है, ऐसी समस्या भविष्य में ना हो, क्या ऐसा कोई प्लान भाजपा सरकार के पास या आपके पास? जब से बजाज मिल बनी, मुलायम सिंह की सरकार थी, बजाज मिल बनी, 1 साल मात्र उन्होंने गन्ने का बकाये का पैसा दिया। मुलायम सिंह जी के सरकार में ही ये परंपरा शुरू हुई, 1 साल खरीदते थे, दूसरे साल पेमेंट करते थे। पूरा मुलायम सिंह का कार्यकाल बीत गया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। पूरा अखिलेश का कार्यकाल बीत गया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे प्रधानमंत्री जी या मेरे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैंने गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया, तो मेरे मन को चोट लगती थी। और यह बात व्यक्तिगत रूप से मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, कई अवसरों पर कहा कि गन्ने के पेमेंट का इशू ना उठाया जाए, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र में बजाज मिल है, मैं केवल गोंडा की बात नहीं करता, जिस जिस क्षेत्र में बजाज मिल है, उस सारे क्षेत्रों का गन्ना किसानों का पैसा बाकी है और इसका समाधान निकाला जाए। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने सुझाव दिया मुख्यमंत्री जी को कि बिजली का पैसा इस ग्रुप का बकाया है। मैंने सुझाव दिया कि बिजली जो मुलायम सिंह के सरकार में खरीदी गई थी या अखिलेश के सरकार में खरीदी गई थी, इनका कुछ पैसा बकाया है, उस पैसे को लेकर के गन्ना किसानों का पेमेंट करने के लिए इनको बाध्य किया जाए। और मैं व्यक्तिगत रूप से बताता हूं आपको कि यह बात मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार कहा कि या तो गोंडा आइए तो गन्ना का इशू ना उठाइए, क्योंकि बजाज मिल का पैसा बाकी है। और फिर रास्ता निकाला मुख्यमंत्री जी ने, और बिजली का पैसा एसपीएल या कौन सी कंपनी है उसको कैसे गन्ने में डाइवर्ट किया जाए, इसके लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई, उत्तर प्रदेश एक सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई। और अध्यादेश जब गवर्नर के यहां साइन के लिए गया, तो कुछ लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कुछ लोगों ने कुछ लड़कों को धरने पर बैठा दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 4 साल मुलायम सिंह की सरकार चली गई, आपने कोई धरना नहीं दिया, 5 साल अखिलेश की चुनाव चली गई, आपने कोई धरना नहीं दिया, 4 साल मोदी जी की सरकार चली गई, आपने कोई धरना नहीं दिया। जब सरकार ने अध्यादेश ला दिया और अध्यादेश साइन के लिए चला गया, और तब कुछ लोग उठ करके बैठ जाते हैं कि गन्ना भुगतान, मैं उनके ऊपर सवाल उठाता हूं कि 14 साल आपका, 14 साल आपने क्यों धरना नहीं किया? मैंने धरना किया, मैंने धरना करने की कोशिश की, और हमको मुलायम सिंह का फोन आया कि नहीं धरना समाप्त कराइए, हमको खुद आया था मुलायम सिंह का फोन कि क्या हो रहा है। और चूंकि मैं उस समय समाजवादी पार्टी में था,
मुलायम सिंह के कहने पर मुझे धरना से उठना पड़ा। और धरना नहीं था, घटतौली था, ये लोग भी थे मेरे साथ घटतौली पर, हम लोग बैठे थे, सीधे मुलायम सिंह जी का फोन आया, फिर घटतौली नहीं करेंगी आश्वासन दिया। तो मैं, मेरा प्रश्न यह है कि 14 साल ये लोग कहां थे? जब सरकार ने अध्यादेश ला दिया और अध्यादेश की कॉपी साइन के लिए चली गई तब यह धरना दिया गया, और इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपको लगता है इसमें राजनीतिक साजिश है? राजनीतिक साजिश समाजवादी पार्टी की साजिश थी। आवाज उन्होंने मतलब बिजली का पैसा जो बकाया था वो सारा का सारा गारंटी ले लिया सरकार ने कि पहले गन्ने का भुगतान होगा, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 500 करोड़ रुपया खाते में आ गया और किसानों का पेमेंट शुरू हो गया। इस बात का श्रेय ब्रजभूषण सिंह को मिलना चाहिए सलाह देने के लिए, इस बात का श्रेय मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए जिन्होंने यह रास्ता निकाला। हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स इस बात को जाने कि इस गन्ने की पेमेंट का श्रेय किसको जाता है, जैसे कि माननीय सांसद जी ने बताया। सांसद जी, किसानों के मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आवारा पशुओं से किसानों को बहुत सारी समस्याएं होती है। एक तो ऑब्वियस है कि उनकी फसलों को चर जाते हैं आवारा पशु। दूसरा, आवारा पशु से बचने के कारण किसान लोग अपने खेतों की कटीले तारों से चारदीवारी करते हैं, जिससे पशुओं को भी नुकसान पहुंचता है ताकि और व्यक्तियों को भी नुकसान पड़ता है। एक्सीडेंट में लोगों को ये साथ दुर्घटनाएं हो जाती है, कट जाते हैं। ऐसी समस्या खत्म हो, खासकर इस देवीपाटन मंडल से, ऐसी कोई योजनाएं हैं? पहले मैं इस समस्या की तरफ जाना चाहता हूं। ये समस्या पहले शहरों में थी कि कुछ लोग गाय रखते थे और गाय को छोड़ देते थे और बच्चे को बांध लेते थे, और गाय शाम को वापस आ जाती थी और दूध धो लेते थे और रात भर रखते थे, सवेरे फिर खोल देते थे। एक समस्या ये पहले शहर तक सीमित थी। दूसरा, बड़े पैमाने पर जो गौकसी होती थी, स्लॉटर हाउस चलते थे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब इसको अपने एजेंडे में लिया, घोषणा पत्र में लिया कि हम नाजायज स्लॉटर हाउस नहीं चलने देंगे और गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक योजना के तहत जानवरों को छोड़ा गया, एक योजना के तहत छोड़ा गया, और आज वही लोग पहले गाय के बच्चे को छोड़ते हैं, फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको पकड़ लेते हैं। कौन है ये लोग? अब इतना खुलकर मत कहलवाइए, लेकिन सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके समर्थक हैं, जो गाय भैंस से जुड़े हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, उन्होंने योजना के तहत यह काम करना शुरू किया, छोड़ना और पकड़ना। मैं इस समस्या को लेकर के भी कई बार मुख्यमंत्री जी से मिला, और उस समय एक सीमेन आता है जिसका रेट हुआ करता था 1200 रुपया। उस सीमन को डालने पर गाय यानी कि बछिया ही पैदा करेगी, बछिया ही पैदा करेगी, मादा ही पैदा करेगी, नर नहीं पैदा करेगी, और उसका रिजल्ट जो है उस सीमन का है 92% से ऊपर। और आप कभी इंटरव्यू करने का मौका मुख्यमंत्री जी को मिले, मैंने कई विशेषज्ञों से बात की और फिर मुख्यमंत्री जी से बात की, और जो 1200 का सीमन आता था आज 250 या 300 का मिल रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए 250 300 का मिल रहा है। मेरा एक सवाल यहां पर जो मेरे मन को बड़ा कुरेहता है कि पहले लोग बछड़ा छोड़ते थे, अब बछिया भी छोड़ दे रहे हैं, गाय भी छोड़ दे रहे हैं, बूढ़ी हो जाने के बाद भी छोड़ दे रहे हैं। अभी मैं गांव की ही जनता जवाब दे रही, आज ही गांव से आ रहा हूं कि गांव की जनता कहती है कि क्या यह गाय योगी जी ने छोड़ी है, क्या यह गाय मोदी जी ने छोड़ी है? मोदी जी ने या योगी जी ने केवल इतना कहा कि हम गाय नहीं कटने देंगे, अवैध स्लॉटर हाउस नहीं चलेंगे, तो क्या गाय की हत्या करा दिया जाए?
जब एक समय हम गाय को माता मानते थे, आज भी मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं। अब आज मैं जहां तक हूं, मैं तो गौ माता के नाम पर ही जो कुछ हूं। सबसे पहले महाविद्यालय मैंने नंदनी नगर खोला था गौ माता के नाम पर। आज जो कुछ हूं नंदनी नगर महाविद्यालय के नाते ही मेरा कह लीजिए कि आज देश में नाम है। भगवान राम का वंश नहीं चल पा रहा था, नंदनी गौ माता की सेवा किया था दिलीप ने, वहीं से उनके वंश चला। तो मेरे कहने का मतलब सरकार ने तो केवल ये किया। हां, एक समस्या यहां पर यह है कि बैल का क्या किया जाए। तो बैल का क्या किया जाए, एक तो है बैल पैदा कम हो, इसका सरकार उपाय करे। सीमन सस्ता किया गया, 250-300 का कर दिया गया, 1200 के पर और कोशिश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को मैंने स्वयं इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए मैंने देखा है। लेकिन गाय का महत्व क्या है, गाय के मूत्र का महत्व क्या है, गाय के गोबर का महत्व क्या है, एक गाय से कितनी खेती हो सकती है, देश के वैज्ञानिक लगे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं। अभी देश को मात समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं दिल्ली के पास रहता हूं, शायद आप भी दिल्ली के पास रहते हैं, वहां मैंने देखा है कि देसी गाय का दूध, जिसको लोग यहां पर पालना पसंद नहीं करते हैं, जो दूध के शौकीन है वो 150 रुपया लीटर लेते हैं। जर्सी गाय का दूध 50 रुपये में लेते हैं, और अगर कोई देसी गाय प्रमाणित कर दे कि देसी गाय का दूध है तो 150 रुपया लीटर लेते हैं। तो हमें गाय के महत्व को समझाना पड़ेगा, गाय से क्या फायदा है, क्या नुकसान है इस पर। और देश के सारे वैज्ञानिक सरकार इस विषय पर काम कर रहे हैं कि मूत्र का कैसे प्रयोग सदुपयोग किया जाए, गोबर का कैसे सदुपयोग किया जाए, गाय को बचाया कैसे जाए। क्योंकि ये सरकार कतई ये इजाजत नहीं देने वाली है कि जो जहां पावे ले जाकर के गाय को मार डाले, ये सरकार कम से कम इस काम को नहीं कर सकती। तो ये जो आप बोला कि आपने कहा कि इस तरीके इसकी मतलब लोगों को सोचना पड़ेगा कि गाय या गाय से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है उनको कैसे सोच रहे हैं। जब एक कोई सवाल उठा रहा है तुरंत वही जवाब दे रहे हैं कि क्या योगी जी ने छोड़ा है, क्या मोदी जी ने छोड़ा है। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि पहले शहरों में ये हल्के फुल्के में परंपरा बनी थी, और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लिया तो अचानक जानवरों की बाढ़ आ गई। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए 100 का 100% तो नहीं कह सकते हैं कि 100 का 100% तो कहीं नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने गाय बछिया खोल करके खेत दिया रोड पर सरकार को बदनाम करने के लिए। अब एक दूसरे टॉपिक पे आता हूं। गोंडा के जो डीएम है उन पे आरोप लगाया है मार्कंडे शाही जी कि वो आपके रिश्तेदार है, और समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल उन्होंने आरोप लगाया है, और वो चाहते हैं कि इस कारणवश गोंडा डीएम का ट्रांसफर कर दिया जाए, कहीं वो चुनाव को प्रभावित ना करें। आपका गोंडा डीएम कहां के रहने वाले हैं मुझे ये नहीं मालूम है। जब वो कहां के रहने वाले हैं हमें नहीं मालूम है तो मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, किस गांव के रहने वाले हैं, किस जिले के रहने वाले हैं, देवरिया के रहने वाले हैं कि गोरखपुर के रहने वाले हैं कि बस्ती के रहने वाले हैं कि हमीरपुर के रहने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम है। और आज ये डीएम के ऊपर सवाल, आज के 15 दिन पहले इन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया, जब ये चुनाव हार रहे हैं तो आज सवाल उठा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आज डीएम के सब ऊपर सवाल उठाएगी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं चुनाव के बाद ईवीएम के ऊपर सवाल उठाएगी, इनका काम ही है यही। एक मेरा आपसे और सवाल है, गोंडा की जनता से जैसे बात की जाए तो बताते हैं कि जो माननीय सांसद जी हैं वो काफी अप्रोचेबल हैं, आसानी से मुलाकात हो जाती है, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी। गोंडा जो नगर के जो विधायक हैं उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो आसानी से मिलते नहीं है, 2-4 लोगों ने कहा। उसके बाद हमने समाजवादी पार्टी के एक नेता का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके विधायक ही गायब रहते हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, बड़े बरगद के नीचे छोटा पेड़ जल्दी नहीं उगता है। अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक इसलिए अमिताभ नहीं बन पाया क्योंकि अभिषेक के अंदर लोग अमिताभ खोज रहे थे। राहुल के अंदर राजीव गांधी खोज रहे थे। मुलायम का लड़का अखिलेश इसलिए नहीं नेता बन पाया कि लोग अखिलेश के चेहरे में मुलायम खोज रहे थे। और ब्रिजभूषण सिंह के
के अंदर, प्रतीक के अंदर लोग ब्रजभूषण का चेहरा खोज रहे हैं, और जब ब्रजभूषण के चेहरे से तुलना करेंगे तो प्रतीक अभी डाउन है। वो प्रतीक की गलती नहीं है, वो अभिषेक की गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना सुलभ रहे हैं, इतना मेहनत किए हैं, इतना परिश्रम किए हैं, इतना पैदल चले हैं, इतना लो प्रोफाइल से उठे हैं कि वही लोग चाहते हैं। लेकिन जहां तक संजीदगी का सवाल है, विकास का सवाल है, काम का सवाल है, तो प्रतीक भूषण ने ईमानदारी से किया है। और जब ईमानदारी से कोई काम करता है तो उसको थोड़ा सा झुकना आसान नहीं होता है। प्रतीक ने पूरे देवीपाटन मंडल के सारे विधायकों से ज्यादा सड़क बनवाया, सारे विधायकों से ज्यादा बिजली लगाई, सारे विधायकों से ज्यादा इलाज कराया, सारे विधायकों से ज्यादा कोरोना में मदद की, सारे काम में फर्स्ट 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 फर्स्ट। और जहां तक फोन की और ना मिलने की बात है, भाई ना मिलने की क्या बात है, जब हम पिता पुत्र या पूरा परिवार शनिवार इतवार को दुकान खोल करके बैठते हैं कि जिसको आना है आओ, आता है। और केवल हम नहीं बैठते हैं, प्रतीक भी बैठते हैं, मेरा परिवार बैठता है, प्रतीक की मम्मी बैठती हैं, वो भी मिलती हैं, जो महिलाएं जाती हैं, इनका छोटा भाई करण मिलता है, इनका चचेरा भाई सुमित मिलता है, सारे लोग मिलते हैं। हम लोग शनिवार इतवार कहीं भी रहें दुकान खोल करके बैठते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, जिले पर की समस्याओं को संजीव सिंह को फोन करते हैं कि भाई आप कराओ, डीएम से बात करो, मौका आप खुद करते हैं। अजय हैं, कम से कम 10 आदमी हमने लगा रखे हैं पूरे लोकसभा में कि भाई क्या काम है, मिलो तुरंत काम करो। और उसके बाद शनिवार इतवार को लगातार बैठते हैं। पूरे कोरोना काल के अंदर या तो हम दौड़ते रहते या तो प्रतीक दौड़ते रहे। कहां थे समाजवादी पार्टी के लोग, जो लोग ये कहते वो कहां थे? जेल तक में राशन पहुंचाया है प्रतीक ने। लोग चिंता करते हैं, कोरोना काल में मुलाकात बंद हो गई थी, जेल तक में, यहां तक महिलाओं को जो सामान की जरूरत होती है, साबुन तेल बिस्कुट, महिलाओं का सामान, दो दो बार प्रतीक ने वहां पहुंचाया है। और सबसे ज्यादा कोरोना के समय जो बाहर लोग फंसे थे हमारे, मुझे गर्व है कि सबसे ज्यादा जो फंसे हुए लोग बाहर के थे गोंडा में, सबसे ज्यादा अगर मदद की है तो प्रतीक ने की है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर किसी ने दिलाया है तो प्रतीक ने दिलाया है। सबसे ज्यादा अगर कोरोना में इलाज कराया है तो प्रतीक ने कराया है। और ये आरोप बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। ये एक योजना के तहत ये चलाया गया। और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि प्रतीक भूषण अगर लड़ेंगे तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे। इन्हीं लोगों ने आज के 15-20 दिन 25 दिन से के पहले से ये हला एक चर्चा बना करके रखा कि ये नहीं लड़ेंगे, ये तरबगंज से लड़ेंगे, ये करनैलगंज से लड़ेंगे। ये कहां से लड़ेंगे? तरबगंज से लड़ेंगे। ये कहां से लड़ेंगे? करनैलगंज से लड़ेंगे। ये भी बात आई होगी आपके सामने। ये एक सुनियोजित तरीके से किसी तरीके से प्रतीक भूषण सिंह इस सीट को खाली कर दें जिससे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाए। ऐसा कोई आरोप नहीं, सब आरोप निराधार है। ये सुनियोजित है कि मेरा मोबाइल खुला है। अरे तो भाई मोबाइल काहे के लिए खुला है? सोते होते हो नहीं हो क्या? क्या काम किए हो? गोंडा की जनता भूली नहीं है, किसी का आलोचना नहीं करना चाहिए, गोंडा की जनता भूली नहीं है। कितने नौजवान यहां पर हैं जिनकी जिंदगी खराब हो गई। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10,000 गोंडा जनपद के अंदर पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे लिखाए गए सपा के शासनकाल में, उनका करियर खत्म हो गया। प्रतीक ने एक मुकदमा लिखाया हो तो कोई बताओ। भूषण सिंह ने अपने 32-35 साल के राजनीति में एक आदमी कोई खड़ा हो जाए जो कह दे कि भूषण सिंह ने हमारे लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या बात करते हैं ये लोग? प्रतीक मुकदमा नहीं लिखाते, प्रतीक बदले की राजनीति नहीं करते, हम भी बदले की राजनीति नहीं करते, हम भी बदले की राजनीति नहीं करते। 10,000 नौजवान यहां पर निकलेंगे कम से कम जो जेल यात्रा किए हैं और जो गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया, 376, 395, 397, 307, चोरी का मुकद, कम से कम 10,000
नौजवान हैं यहां पर जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी शहर में 140 कितना लिखा गया था, 140 लड़कों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। भाई साहब 3 महीना जमानत नहीं। जैसा कि सांसद जी ने कहा कि हर शनिवार इतवार को ये स्वयं और प्रतीक भूषण, इनफैक्ट इनका पूरा परिवार जनता जनार्दन से मिलता है और इनके जनप्रतिनिधि, इनका स्टाफ, इनके पीए हमेशा जनता की सुनवाई करते हैं। सांसद जी आपने एक बात छेड़ी युवाओं की, युवाओं के ऊपर बहुत सारे मुकदमे, और युवाओं का एक मुद्दा है नौकरियां, सरकारी नौकरियां। तो गरीब युवा जो सरकारी नौकरी की इच्छा रहता है वो थोड़ा सा शुद्ध होता है जब कोई परीक्षा स्थगित हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, उसकी नौकरी मिलने में उसको लेट लतीफी हो जाती है या नौकरी ना मिले। इस मुद्दे को आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, बड़ी ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, पूर्व की सरकार में रेट तय था, टीचर बनना है तो क्या रेट, सिपाही बनना है तो क्या रेट, डिग्री कॉलेज का अध्यापक बनना है तो क्या रेट, इंटर कॉलेज का क्या रेट। और जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं पारदर्शी व्यवस्था लागू किए हैं, और यही नहीं पूरे देश में कुछ गैंग हैं जो सालवर के रूप में या नए नए तरीके निकालते रहते हैं। अब जैसे मुलायम सिंह के राज में सिपाही भर्ती घोटाला पर भी आंच उठी, लेकिन मुलायम सिंह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कर दिया, एक जात विशेष के लोग 50% कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। टीसीएस की भर्ती थी 82 सीट थी, 58 पर कर दिया, एक जात विशेष को कर दिया, 4 जिले का कर दिया। वही बाबा के समय नहीं हो पा रहा है, वही सफल नहीं हो पा रहे हैं लोग, और इसलिए कमी मिलती है, परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं। और कुछ लोगों को छोड़ करके आम आदमी का बेटा कोई अगर सपा के सरकार में नौकरी पाया हो तो खोज करके बता दे, कोई बता दे कि बिना पैसे का नौकरी पाया हो। आज आप, मैं चुनौती देता हूं कि आप चले जाइए और एक आदमी को ये बता दे कि इस सरकार में मैं पैसा देकर के भर्ती हुआ हूं। और काफी बच्चे भर्ती हुए हैं, रोज भर्ती हो रहे हैं, हां उनको अब पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो अगर गलती है, अगर कहीं हो जा रही है, अगर गलती पकड़ में आ रही है, परीक्षा लीक हो जा रही है, तो करना पड़ेगा, या तो आंख मूंद लिया जाए, तो इस सालवर गिरोह जिसको चाहे उसको करा दे। और ये जो भी फैसले उठाए गए हैं वो जनता के हित में उठाए गए हैं, विद्यार्थियों के हित में उठाए गए हैं। और आप देखिए अभी कल परीक्षा हुई है, बहुत से लोग पकड़े गए हैं। ये गैंग है, और ये गैंग आज से नहीं है, और यही गैंग पैसा वसूलता था, इनसे मिलकर के राजनेता और अधिकारी इसी गैंग के माध्यम से पैसा वसूलते थे। आज कोऑपरेटिव भर्ती घोटाला का चल रहा है, जांच चल रही है रोज, तो क्या यही चाहते हैं कि घोटाले की जांच हो? ये जो भी कुछ सरकार कर रही है बड़ी ईमानदारी से कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है, पारदर्शी तरीके से कर रही है, और इसके लिए गलत को गलत कहना पड़ेगा, गलती पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। एक बेसिक आवश्यकता होती है आम नागरिकों की, चिकित्सा, और खासकर गोंडा या देवीपाटन जैसे क्षेत्रों में जहां पे गरीब वर्ग बहुत बड़ा है और सरकारी चिकित्सा पे डिपेंडेंट है वो गरीब वर्ग। सरकारी चिकित्सा व्यवस्था, लोगों ने देखा कि कोरोना काल में हम लोगों ने, ये तीसरी वेव चल रही है, इस तीसरी वेव के साथ साथ किस तरह की सरकारी तंत्र, अभी सरकारी चिकित्सा में सुधार किया गया है, और क्या ये एक मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव में? नहीं देखिए, मुद्दा था जब कोरोना आया था, ना मास्क था, ना वेंटिलेटर था, ना डॉक्टर तैयार थे, ना देश तैयार था। अब देश तैयार है, डॉक्टर तैयार है, दवाई तैयार है, वॉलंटियर तैयार है, ऑक्सीजन तैयार है, अस्पताल तैयार है, विस्तृत जाने की आवश्यकता नहीं है, सब तैयार है, अब कोई चिंता का विषय नहीं है। जहां तक रहा सवाल हमारा या हमारे जनपद, मुझे गर्व है अपने जनपद पर भी, मुझे अपने जनपद पर गर्व है कि हमारे जनपद के लोगों ने, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, जहां हम लोगों ने
एक दिन भी कोरोना काल के अंदर हम लोग घर पर नहीं बैठे हैं, ये परंपरा मैंने ही शुरू की है और मेरे ही कारण सबको निकलना पड़ा, क्योंकि जब मैं निकल पड़ा तो सबको निकलना पड़ा, मजबूरी हो गई और हमारे ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि निकले और जनता निकली और हमने एक दिन भी कोरोना काल के अंदर हम लोग नहीं बैठे। गांव में जाते थे, कोरोना के प्रति जागरूक करते थे, उनकी आर्थिक मदद करते थे, उनकी चिकित्सीय मदद करते थे और कोरोना काल के अंदर मैंने बताया कि सबसे अधिक अगर किसी ने मदद की है तो प्रतीक ने की है। गुजरात से प्रतीक के नाम पर मेरे नाम पर लोगों ने 2 ट्रेन भेजा, पूरा बुक करा करके, टिकट दे करके, बुक करा करके, खाना पैक करके भेजा बंबई तक में, पंजाब में, सब जगह। मेरी पूरी टीम सक्रिय थी, मेरी पूरी टीम का नंबर चल रहा था कि किससे संपर्क करो, और ये संजीव सिंह बैठे हैं, पूरी टीम सक्रिय थी और हम लोग कहीं से फोन आता था तो तुरंत अपने आदमियों को, अपने परिचित को, क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते मेरा संबंध पूरे देश में है, मेरी हर जगह यूनिट है, हर जिले में यूनिट है और प्रभावी लोग हैं, रेसलर हैं, मेरे रेसलरों ने मेरी मदद की है। और सबसे बढ़िया और हमारे गोंडा जनपद के लिए मैं खुशी इसलिए हूं कि आप जानते हैं कि गोंडा जनपद एक हाल्ट बन गया था कि पूरे प्रदेश से जो टीमें आती थी उनको यहां उतारा जाता था, गोंडा में जो बच्चे आते थे उनको फिर लोगों को भेजा जाता था, इसलिए ट्रेनों का ठहराव बहुत होता था यहां। और जब ट्रेनों का ठहराव होता था, ये कौन सा स्टेशन है, मैजापुर, तो 2-2 ट्रेनों का, तो आप एक ऐसा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जो पूरे देश में नहीं है, गोंडा के गर्व करने के लिए है कि जब कोई ट्रेन खड़ी होती थी सैकड़ों हाथों में पानी होता था, सैकड़ों हाथों में फल होता था, सैकड़ों हाथों में पूड़ी होती थी, एक तरफ मुसलमान खाना लेकर के दौड़ते थे, एक तरफ हिंदू लड़के लेकर के दौड़ते थे, दोनों तरफ से, उत्तर वाली दिशा से ज्यादातर मुसलमान दौड़ते थे, इस वाली दिशा से मुसलमान हिंदू दौड़ते थे, और एक ट्रेन खड़े होते कम से कम 500 लोग पानी, खाना और फल लेकर के दौड़ते थे। और ये काम एक दिन नहीं चला, कम से कम आप मान करके चलिए कि 20-25 दिन चला। बंगाल तक के जाने वालों की भी अगर ट्रेन रुकी है तो हम गोंडा वालों ने खाना दिया है, उसमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, होड़ मच गई थी। हम लोग चंदा इकट्ठा करते थे, लोग चंदा इकट्ठा करते थे, पैसा देते थे, लोग बनाते थे, खिलाते थे, बनाते थे, खिलाते थे। लेकिन कोरोना से अब डरने की जरूरत नहीं है, देश तैयार है और उत्तर प्रदेश बिल्कुल तैयार है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि रणभेरी बच चुकी है और मतदान का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो गोंडा जनपद के वासी मतदान के दिन कमल का बटन क्यों दबाएं, वो 5 कारण अगर आप बताएंगे जनता को संबोधित करते हुए तो क्या बताएंगे? एक तो हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, मानी जनता का राज, तो मैं कहता हूं जनता से समीक्षा करो, अपने मन पर जोर डालो कि 2014 के 17 के पहले गोंडा की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। नंबर एक, साफ सफाई, सड़क, स्वास्थ्य, सब एक मान लीजिए नजर डालो। और जैसे बिजली, चलिए बिजली में छोड़ देता हूं, बिजली में छोड़ देता हूं, राशन कैसे मिलता था, 3-3 महीना, 4-4 महीना पर कभी कभी मिलता था। आज उस पर नजर डालो, फिर जो बिना गलती के मुकदमे लिखाए जाते थे और एक पार्टी के आप हैं, चाहे जो करें, शहर में आग लगा दें मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, अब आग लगाई गई है इसी शहर में और मुकदमा नहीं लिखा गया। तो मैंने कहा जनता का तंत्र है, एक विषय पर नहीं, 5 विषय पर नहीं, 10 विषय पर केवल अपने मन में लोग समीक्षा करें, और समीक्षा कर रहे हैं, जनता समीक्षा कर रही है, हर सवाल का जवाब जनता दे रही है। और इसलिए ये जो सपा का नया गठबंधन बना है, भाई भाई का, इसके खिलाफ जनता खुद लड़ रही है, जनता खुद लड़ रही है
और पूरे गोंडा में नहीं पूरे प्रदेश में लड़ रही है। अब ये लोगों के हाथ से चुनाव निकल गया है, चुनाव जनता लड़ रही है और परिणाम देखिएगा। तो ये है विभूषण शरण सिंह जी, जो अपने निर्भीक, ईमानदार और निडर वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं, वैसी बातचीत आपने आज सुनी। क्या होगा गोंडा के चुनाव परिणामों में ये देखा जाएगा 10 मार्च को। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। आप देख रहे थे गोंडा पोस्ट। धन्यवाद।